इस विद्यालय में लगभग 22 वर्ष हो गए। मैंने विद्यालय के हर उतार चढ़ाव का परिवर्तन देखा है। वर्तमान में विद्यालय में सीएमराइज होने पर इतना अभूतपूर्व परिवर्तन जो मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि मैं यही कल्पना करता रहा कि काश हमारा विद्यालय पहले की तरह ऐसे होते जो आज हम देख रहे हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता। यहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छी, और अंत अपने सेवा के आखिरी अवसर पर जब मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, उस समय मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुछ दिन और इस विद्यालय में और नई नई चीज़ें देखने को हमको मिलेंगी। और हमारा ये विद्यालय जहाँ से मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, दिन पर दिन तरक्की करता रहेगा। अपने सभी स्टाफ सदस्यों में जो मेरे साथी पुराने हैं और जो वर्तमान में सीएम राइज के अंतर्गत चयनित होकर आए हैं, उन सभी का स्नेह मुझे अभूतपूर्व मिला है, जो हमेशा मेरे जीवन में मुझे याद रहेगा। मैं किसी एक को भी एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाता हूँ। एक परिवार की तरह इस विद्यालय में मैं रहा हूँ, और ये विद्यालय के सभी सदस्य मेरे सभी अपने परिवार जैसे रहे हैं, तो इन्हें तो मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा। लोगों को आते हैं दो नजर हम, मगर देखो दो नहीं। वो जुदा या खफा खुदा है दुआ, ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा।
तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती। आदरणीय योगी सर और मेरा साथ 25 साल से है विनोबा आर्ट सेकेंडरी में। सुख दुख में सब में हम लोग साथ रहे हैं, एक दूसरे का सुख दुख साथ में बताया हम लोगों ने। बहुत ही नर आदमी है, बहुत ही अच्छा रहा है साथ सबका। सबकी जो है सेवानिवृत्ति की बात कमी खलेगी, लेकिन रतलाम में ही है, मिलते रहेंगे हम लोग। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग, चल चल सोचे क्या, छोटी सी है जिंदगी। कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे, याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग, चल चल सोचे क्या, छोटी सी है जिंदगी। हम रहे या ना रहे, याद आएंगे ये पल। साहब के साथ हमारा जो अनुभव है पिछले 2 माह का, वो बहुत ही सुखद और बहुत ही प्रभावकारी है। हमने उनसे निवेदन किया था कि आप सेवानिवृत्ति आपकी आ रही है, 2 माह बचे हैं, कृपया निवेदन है कि आप अवकाश मत लीजिएगा और हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। तो उन्होंने हमें काफ़ी हमारा मार्गदर्शन किया और विद्यालय को समझने में, यहाँ के काम को समझने में, और साथ ही एक वरिष्ठ व्यक्ति होते हुए हमें इतना अच्छा समर्थन प्रदान किया, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि एक जो व्यक्ति बड़ा व्यक्ति होता है, है ना, जितना व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसमें उतनी महानता आती जाती है। तो ऐसा ही मैं योगी सर में देखता हूं, और रिटायरमेंट के इस अवसर पर मैं उनके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं
महफिल को। समर्पण, सहजता और विश्वास के मिसाल आदरणीय योगी सर, निष्कलंक बिना किसी अवकाश को लिए 40 साल की सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्हें स्वस्थ जीवन की कामना करते तो ही, और जो उन्होंने शासकीय सेवा में रहते हुए कार्य के प्रति समर्पण की जो मिसाल पैदा की है वह मेरे लिए अनुकरणीय है। और जिस मुस्कुराहट के साथ मैं उनसे 1994 में जवाहर उमावी में मैं साथ में मिली थी, उसी मुस्कुराहट के साथ वे आज भी कार्य कर रहे हैं। और ईश्वर करे कि यही मुस्कुराहट हमेशा उनके साथ रहे और इसी तरह वे हमेशा मुस्कुराते रहें। और जिस सीट के प्रति जिस समर्पण के साथ वे सदैव कार्य करते रहे, एक योजनाकार के रूप में, एक भीष्म पितामह की तरह कार्य करते रहे, वह उस संस्था के लिए शासकीय विनोबा उमावी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये बात कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मैं संसार से पूर्व परिचित था, पर 2019 से सर के सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है। सर की एक विशेष बात का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि सर हमेशा 10:15 के बीच संस्था पर आ जाते थे और अपने समक्ष इस ताला खुलवाते थे और ताला लगवाते थे। ये ड्यूटी सर ने पूरी 4 साल से देखता और निभाते आ रहे हैं, और सर का स्नेह और आशीर्वाद हम सब पे बना है। सर सब ने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे। सर स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु रहे, हमें समय समय पर याद करते रहे, खाना पीना करते रहे। आदरणीय योगी सर से मुझे हमेशा पिता तुल्य स्नेह मिला। उनका धीर गंभीर व्यक्तित्व मुझे बहुत ही प्रभावित करता है। हमेशा मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने मुझे दिशा निर्देश प्रदान किए हैं, और विद्यालय में उनके द्वारा रखी जाने वाली बहुत ही मार्मिक नज़र जो है वो बच्चों को प्रभावित करती रही है। मुझे योगी सर में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व नज़र आता है। उनका जो धार्मिक प्रवृत्ति है वो भी मुझे बहुत ही पसंद है। और आदरणीय योगी सर के सेवा निवृत्ति के अवसर पर मैं उन्हें हमेशा सुखी रहने की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। आदरणीय योगी सर के सानिध्य में मैं 2005 से इनके साथ कार्य कर रही हूँ, और इनके सानिध्य में रहकर मैंने बहुत सारा कार्य सीखा है। और आदरणीय योगी सर दिनांक 31/8/2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और जीवन में आगे भी इनका सानिध्य हमें मिलता रहे। लेकिन इनके जाने से हमें दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है, लेकिन हम इनको दिल से विदा नहीं कर रहे हैं। ये हमारे हृदय में हैं और आगे भी रहेंगे, और हम इनका मार्गदर्शन समय समय पे लेते रहेंगे। हम छोड़ चले हैं महफिल को,
यार आए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले महफिल को। याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे देना। घबराए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले महफिल को। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, लेकिन साथ में हमें थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि हमारे वरिष्ठ श्री योगी सर की सेवानिवृत्ति का दिन है, और मैं 2006 में जब यहाँ पर ज्वाइन हुई तब से सर के साथ हूँ, और सर का मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। और आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे घर से जैसे एक वरिष्ठ व्यक्ति कहीं चले जाए, और हमारा घर जिस तरह सुना सुना सा होता है उसी तरह हमारी संस्था भी सबके घर की तरह से सुन हो जाए। लेकिन मैं सबसे बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ उनके आने वाले जीवन के लिए, और ख़ास तौर से भाभी जी को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज के बाद सारा समय सर का जितना भी समय वो सब भाभी जी के लिए होगा। धन्यवाद। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फजा, नजरें ये जवारुत ये हवाएं, हम जाएं कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाएं कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना। लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी,
लंबा है सफर इसमें, कहीं रात तो होगी ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, ये साथ गुजारे हुए लम्हात की दौलत, जज्बात की दौलत, ये ख्यालात की दौलत, कुछ पास न हो पास ये सौगात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, लम्हों की कसक साथ तो होगी।